वेल माइडेड स्टूडेंट द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज आई एल ओ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान आई एल ओ का रिलेशनशिप या आई एल ओ की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूअर्ड्स वर्कर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान क्या है आइए इस टॉपिक में देखते हैं आई एल ओ स्ट्रोंगली बिलीव करता है कि कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाना चाहिए ताकि डायलॉग हो इफेक्टिव मयर्स लिए जाएं ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो सके आई एल ओ इज इन द स्ट्रोंग फेवर ऑफ डीसेंट वर्क प्रोग्राम इन पाकिस्तान और इस सिलसिले में वो दोनों एसोसिएशन जो कि एम्प्लॉयर्स की हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो वर्कर्स की हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए आई एल ओ जो है वो अपना प्लेटफॉर्म भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है आईएलओ एल ओ इस जिमन में टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है और साथ साथ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये जो सर्विसेज हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड की जाती हैं बाय आईएलओ, एल ये सपोर्ट करती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर पॉलिसीज इन पाकिस्तान ये सपोर्ट करती हैं सोशल डायलॉग मैकेनिज्म को बोथ एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन की है और लेबरर्स की ऑर्गेनाइजेशन की है इससे लेबर जो लेजिस्लेशन है उसकी रिफॉर्मेशन की तरफ भी कदम उठाए जाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में आईएलओ चाहती है कि डायलॉग के, के जरिए से डिसेंट वर्क प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में प्रॉपरली और फुली इंप्लीमेंट किया जाए तो इस जिमन में आई एल ओ डायलॉग को क्रिएट करने की कोशिश करती है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन एंड वर्कर्स एसोसिएशन आई एल ओ एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर एसोसिएशन को इंफॉर्मेशंस टाइमली प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंस देती है माय डियर स्टूडेंट्स इस जिमन में आपको एक बात यह बताता चलूं कि ड्यूरिंग द करंट कोविड नाइनटीन क्राइसिस आईएलओ ने वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस को और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर नॉलेज टाइमली प्रोवाइड किया कि कोविड नाइन्टीन क्या है और इसके असरा बिजनेस पर क्या क्या हो सकते हैं और इस जिमन में क्या पॉलिसीज बननी चाहिए और किस तरह इकोनॉमी को या बिजनेस को रन करना चाहिए होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच